नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावेश। स्वागत है मेरे YouTube चैनल रैगन स्टूडियोज पर। दोस्तों, मैं आज बताना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप की वो तीन बातें कौन सी थी जो उन्होंने मरने से पहले कही थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ऐसे प्रकार के मैं और भी वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। महाराणा प्रताप इतिहास का सबसे शक्तिशाली एवं सबसे महान योद्धाओं में से एक था, जिसने अकबर के सामने अपने सिर को नहीं झुकाया। आज हम महाराणा प्रताप की तीन ऐसी बातों का अध्ययन करेंगे जिन्होंने उन्हें मरने से पहले बताया था। नंबर एक पर दोस्तों है आत्मसम्मान। मनुष्य का गौरव या आत्मसम्मान सबसे बड़ी कमाई होती है, इसलिए सदैव उनकी रक्षा करनी चाहिए। अपने व अपने परिवार के साथ जो अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं वो जैसे नागरिक कहलाते हैं। पहली महाराणा प्रताप ने यही बात कही थी। नंबर दो, धर्म की रक्षा करना। महाराणा प्रताप ने मरने से पहले कहा था कि हमेशा अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म ही आदमी के कार्य, कर्म और गुणों को बताता है। आदमी को धर्म में एक ऐसा मार्ग जो सदैव सद्गुणों की ओर ले जाता है। नंबर तीन, दुर्बलों की रक्षा करना। महाराणा प्रताप ने मरने से पहले कहा था कि हमेशा दुर्बलों की रक्षा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सत्य के लिए युद्ध में लड़ रहा है, हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं इसी प्रकार के वीडियो आप तक और भी पहुंचाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।